अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे मज़ेदार जो है फ्राई फिंगर चिप्स बनाऊंगी, और ये फ्राई फिंगर चिप्स की बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी है, आप भी बनाइएगा। और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो मैंने डाला है इसमें, एक हाफ कप जो है इसमें मैंने बेसन डाला था, और बेसन के अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक जाएगा हाफ टी स्पून, और इसके अलावा ये थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है, और ये इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन एक चम्मच जो है हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और कॉर्नफ्लावर डालकर ये इसको मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी डालिएगा, पानी के साथ इसका एक पेस्ट बना लीजिएगा, और ये पेस्ट जो है हम फिंगर, ये जो चिप्स हमने लंबाई के रूप कटिंग किए हैं इन पर लगाएंगे, और इनको थोड़ी देर के लिए लगा रहने देंगे, और इसको इस पेस्ट के अंदर डिप करके हम इसको ऑयल में डालते जाएंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। और ये मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छी मज़ेदार जो है फिंगर चिप्स बनते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये देखिए इसका इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये देखिए, और अगर आप समझते हैं कि थोड़ा पतला है तो आप इसमें और थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। ये लगा कर देखिए, ये आपके जो फिंगर चिप्स है इसके साथ चिपक गया है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप बेसन डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी जो है पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें एक बार से फिर से बता दूँ, इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कहते हैं, नमक डाला है, और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ जो ज़ीरा है वो मैंने इसमें डाला है, और हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून वो कर लें कुटा हुआ धनिया, और इसको सारे को मिक्स कीजिए। एक चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला है ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बन सके, और अब हम इनको चिप्स को लगा के पेस्ट के साथ तो ये हम ऑयल में डालते जाएंगे। ये मैंने कढ़ाई रखी हुई थी और इसके अंदर ऑयल डाला हुआ था, और ये हम बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो हैं ये चिप्स तैयार करेंगे। ये हाथ के साथ पकड़ कर आप पेस्ट के अंदर लगाइए और फिर इसको ऑयल में डालते जाएं। ये आपके बहुत अच्छे टेस्टी फिंगर चिप्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। ये फ्राइज आपके बहुत अच्छे ज़बरदस्त टेस्टी तैयार होंगे, अपने बच्चों को खिलाइए, घर पर बनाइए, और बाहर से इतनी चीज़ें बच्चों को मत लेकर दें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो ऑयल जो है वो इतना सेहत बख्श नहीं है बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी। घर पर ही साफ़ सुथरे ऑयल में आप ये चीज़ें बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें लाइफ को, और मेरे इस तरीके से बनाएं, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपके बच्चों को भी, आपको भी। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही डाल दें, और अगर मैदा पड़ा हुआ है तो वो डाल सकते हैं आप, बेसन की जगह मैदा अगर घर पर पड़ा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और उसके साथ भी, लेकिन ये है कि वो थोड़ा कम तादाद में डालें। कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है चार चार चम्मच आप डाल सकते हैं, जैसे दुकान वाले अक्सर डालते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो चाट मसाले के साथ आएगा। चाट मसाला ज़रूर एक टीस्पून भर कर डालिए, और ये मज़ेदार जो है ये फिंगर चिप्स फ्राइज जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे, और मैं जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं तो फिर व्यूअर्स ये देखिए जो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं उनको आप निकाल दें, डिश में रखते जाइए। ये देखिए ये हमारे सारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और इसी तरह से आपने इनको हिलाना है ताकि जो जिस साइड से नहीं हुए उस साइड से भी ये गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए
ये मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स ये देखिए बहुत अच्छे टेस्टी जो है फ्राइज जो हैं बन गए हैं और बहुत मज़ेदार बने हैं, और आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसी डिश लगी है। और मेरे ख़्याल में इस तरह से आप अगर आप अपने बच्चों को देते हैं बनाकर तो वो बहुत शौक से चिप्स खाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी इस छोटी सी कोशिश को मेरे साथ मिलकर कामयाब बनाइएगा, बताइएगा कि आपको ये अच्छी सी प्यारी सी टेस्टी मज़ेदार डिश कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।